और आइए अब आपको देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी हुई और इसकी सबसे बड़ी वजह पूर्णिया की सीट रही। आखिरकार पूर्णिया की सीट आरजेडी के कोटे में चली गई है और आनन फानन में कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव देखते रह गए। और इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पप्पू यादव गाजे बाजे के साथ कांग्रेस में शामिल तो हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि पप्पू यादव ने औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण ही नहीं की। पार्टी की सदस्यता के लिए जरूरी पर्चा नहीं कटवाया। ऐसे में अगर वो पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार बनते हैं तो कांग्रेस उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पप्पू यादव को लेकर सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर कि उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। तो देखिए पप्पू यादव को लेकर सवाल पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि पप्पू को लेकर फैसला आलाकमान ही करेगा। हमारा समझौता हुआ है उस पर हाईकमान का की सहमति और स्वीकृति के बाद होता है, ठीक है। अब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा। तो देखिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने दावा किया है, क्या दावा किया है वो भी आपको बताएंगे। पप्पू यादव पर जो फैसला है वो आलाकमान करेगा, आपने उनको भी सुना। लेकिन देखिए ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि सदस्यता वाली जो पर्ची है, यानी कि जो ऑफिशियल तौर पर पर्ची होती है, वो नहीं कटवाई पप्पू यादव की तरफ से। गाजे बाजे के साथ तो दिखा सबको कि वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर किसी तरीके की कोई पर्ची उन्होंने नहीं कटवाई, कोई फॉर्म उन्होंने नहीं भरा। यानी कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उन पर कानूनी रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, पप्पू यादव जो कि लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ूंगा, हालांकि उनके हाथ से वो सीट जाती हुई दिख रही है, लेकिन अगर वो निर्दलीय पर्चा भरते हैं तो क्या कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल, इसी को लेकर बड़ा अपडेट यह है, कांग्रेस के उप सूत्रों ने बताया है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस की सदस्यता जो है औपचारिक तौर पर ग्रहण नहीं की है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय का ऐलान किया, कांग्रेस का पट्टा भी पहना, लेकिन जो तकनीकी तौर पर जरूरत होती है सदस्यता ग्रहण करने की, जो पर्ची कटवानी होती है, सदस्यता फॉर्म भरना होता है, वो प्रक्रिया उनकी पूरी नहीं की गई है। और इसी वजह से हमें सूत्रों ने बताया कि पप्पू यादव को कांग्रेस का सिंबल मिलने का तो प्रश्न नहीं है, और अगर ऐसे में वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो फिर पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पार्टी के सदस्य है ही नहीं। तो बिना, जब कोई सदस्य ही नहीं है तो उस पर पार्टी कैसे कार्रवाई कर सकती है? तो पप्पू यादव अपनी पूर्णिया सीट पर दावेदारी को लेकर लगातार चर्चा में है। बिहार की सबसे वो चर्चित सीट बन गई है, वो सीट गठबंधन में कांग्रेस नहीं ले पाई आरजेडी, वो सीट गठबंधन में कांग्रेस नहीं ले पाई, आरजेडी ने वहां से अपना कैंडिडेट उतारा है। पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात वो कह रहे हैं, और नजरें इस बात को लेकर थी कि क्या कांग्रेस उन पर कार्रवाई करेगी। अभी 10-12 दिन पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब टॉप सोर्सेस बता रहे हैं कि चूंकि वो आधिकारिक तौर पर सदस्य है ही नहीं, ऐसे में वो अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। बिल्कुल जैनेन्द्र, लेकिन ऐसे में दो सवाल उठते हैं। एक सवाल ये कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही कि जो ऑफिशियल तौर पर पर्ची भरी जाती है वो पर्ची नहीं भरी गई, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि आसार क्या नजर आते हैं, क्या वाकई ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि वो लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव? बिल्कुल, पप्पू यादव ने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई है। पहले वो 2 तारीख को ही, यानी आज ही पर्चा भरने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने 4 तारीख को पर्चा भरने का ऐलान किया है, जो आखिरी तारीख है सेकंड फेज में नॉमिनेशन की। तो पप्पू यादव तो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन और आखिरी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आरजेडी लीडरशिप जो है वो मान जाए। गठबंधन के ऐलान के बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और पप्पू तो लड़ेंगे निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस अब ये कह रही है कि वो तो सदस्य है ही नहीं, उन पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। खबर पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं वापस से आपके साथ कनेक्ट होती हूँ। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।